प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई बेरोजगार जो अलग अलग विभागों के लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, अभ्यर्थी हैं वो, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, हम लोग उस बात करते हैं क्या कुछ बात हुई, क्या उन्होंने मुद्दा रखा अखिलेश यादव से और क्या बात उन लोगों से हुई है, हम उन लोगों से बात करते हैं। ये बोलो, कौन बोले भैया? आबकारी सिपाही 2016 के कैंडिडेट हैं हम लोग, और आपको बताना चाहते हैं कि ये जितने भी लड़के आज दिख रहे हैं कोई वैकेंसीज की नहीं है, सारे आबकारी के ही भर्ती हैं, आबकारी सिपाही के। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस वैकेंसी में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है, जो सिलेक्शन प्रोसेस था फिजिकल का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो मेल और फीमेल का बहुत ही डिफरेंट था। डिफरेंट का मतलब है कि महिलाओं का जो फिजिकल था, सपोज अगर उनका बॉल थ्रो था इसमें 12 मीटर तो पुरुषों का था 65 मीटर, और रनिंग जो थी महिलाओं की 200 मीटर मात्र और पुरुषों की थी 4800 मीटर। और सबसे बड़ी बात है इसी फिजिकल बेस पे मेरिट बनना था, फाइनल इसी पे सिलेक्शन होना था। तो क्या हुआ, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल में नंबर गेन की चूंकि उनका फिजिकल इजी था, लड़कों का इतना टफ था 15 फीट ओनली क्वालिफाई था लॉन्ग जंप, तो इससे क्या हुआ कि वो पास भी नहीं हो पाए। अब पास नहीं हुए तो नंबर गेन करना तो दूर की बात है, तो इससे क्या हुआ फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ सेलेक्ट हुई, और इसलिए सेलेक्ट हुई चूँकि उनका फिजिकल इजी था। तो हम लोग इस मुद्दे को उठाने यहाँ पे आए थे कि ये जो, और सबसे बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का सेटल जजमेंट है, किसी भी भर्ती में वन टाइम रिजर्वेशन दिया जाता है। इस भर्ती में टू टाइम रिजर्वेशन क्यों दिया गया, फर्स्ट स्क्रीनिंग में दिया गया रिजर्वेशन, सेकंड फाइनल में रिजल्ट स्क्रीनिंग में दिया गया, फाइनल रिजल्ट में टू टाइम रिजर्वेशन क्यों दिया गया, जिससे कि सारे OBC के मेल, जनरल के मेल, SC के मेल, सारे मेल का ही लॉस हुआ है। आबकारी सिपाही भर्ती में क्या, मैं जानना चाहता हूं कि महिलाओं को भर के क्या करेंगे ये, और अगर रूल की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग भी महिलाएं सेलेक्ट नहीं हुई है। तो माननीय जी, जो हमने माननीय जी से बात करा कि माननीय जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा कि इस मुद्दे को मैं रखूंगा विधानसभा में और सरकार बनेगी तो मैं 3 स्टेप और 5 लोगों को समझित करूंगा, सारी सब चीजें हैं। ठीक है, मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का विज्ञापन संख्या 7/2019 को फॉर्म निकला था, पूरे प्रदेश से 10,144 बच्चों ने फॉर्म भरा, 3 बार इसका एग्जाम डेट मिलने के बाद ही परीक्षा नहीं कराई गई। सारे छात्र जो है पीड़ित हो रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं, जल्द से जल्द अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इसकी परीक्षा को कराई जाए। सर, हम लोग सहायक सांख्यिकी अधिकारी के छात्र हैं। हम लोग सर इसके पहले भी कई मंत्रियों से, इनके संसद विधायकों से मिले, और हम लोगों ने इनसे ये प्रश्न पूछा कि सर आपने पुरानी भर्तियों को रोक के नई भर्ती क्यों करवा रहे हैं, तो इनके किसी मंत्री और किसी विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हमने माननीय अखिलेश जी से उम्मीद रखी है कि वो सदन में ये प्रश्न उठाएँ और उनसे पूछें कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि पुरानी भर्तियों को रोक के नई भर्ती आप करवा रहे हैं, हम यही जानना चाहते हैं। तो कोई जवाब नहीं मिला, अब हम माननीय अखिलेश जी से उम्मीद करते हैं कि वो सदन में ये बात पूछेंगे। धन्यवाद। सरकार के मंत्रियों विधायकों से हम मिल लिए, कोई रिप्लाई कोई जवाब नहीं देते, वो लोग सीधे मार के भगा देते हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा हमसे झूठ बोलते हैं, कभी भी जाते हैं तो हमसे कहते हैं बस आपका कैलेंडर आने वाला है, आपका डेट आने वाली है और दोबारा जाओ तो वो फिर दूसरी चीज बताते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, वो नंबर एक के झूठे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अखिलेश भैया से जो भी उम्मीद थे अखिलेश यादव से हम लोगों ने अपनी बात को कही है और ये बात को ये सदन में रखेंगे अपनी। हम लोग की परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत नई वाली परीक्षा कराई जा रही, पुरानी परीक्षा को पेंडिंग में रखा है इन्होंने। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक स्पेशल वैकेंसी है सबसे बड़ी, और इसमें MCOM ओ लेवल मांगा रह गया है, PG प्लस ओ लेवल मांगा गया, तो इसमें दिक्कत ये होगी कि और किसी परीक्षा की तैयारी कर भी नहीं पाते हैं सबसे, और सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो और इसके बाद ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि अयोग्य अभ्यर्थी नहीं है, इतने योग्यता होने के बाद भी हमसे अयोग्य, हमारा पेपर नहीं करा पा रहे हो। मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिंह है, मेरी भर्ती पेंडिंग है अधीन सेवा चयन आयोग में, सन 2019 में हमारी भर्ती निकली थी, किंतु कई किन्हीं कारणोंवश अभी तक हमारी भर्ती वहां से जो है फाइनल नहीं हो पाई। तो वही माननीय श्री प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष जी से कहा गया है कि वो सदन के काल में अपने इस मुद्दे को उठा करके और माननीय योगी जी से और सरकार से ये सवाल पूछे कि आखिरकार निकली हुई भर्तियों में इतनी विसंगतियां क्यों हो रही हैं और आगे चल करके वो भर्तियां कब तक पूरी होंगी, और यदि
यदि वो भर्तियां पूरी नहीं होंगी तो सरकार ने उनके अधियाचन को जारी क्यों किया और जो लाखों युवा हैं उनके भविष्य को अधर में क्यों लटकाया गया। अब देखना यही है कि माननीय अखिलेश यादव जी किस प्रकार से हम लोग की बात को सदन में उठाते हैं और किस प्रकार से हम लोग की नैया को पार लगाते हैं। धन्यवाद। आस यहीं बची है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मात्र आस अब यहीं पर बची है और जिस प्रकार से सरकार के सभी अधिकारी और सभी नेता हम लोग की बात को दरकिनार कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी के अलावा हमारे पास और कोई चारा। कितने लोग थे? हमारे में वैकेंसियों की संख्या है 412, जो आज 3 से 4 साल हो गए हैं, नहीं पूरी हुई हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर हैं सब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहुत पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नियत सरकार के पास गुहार नहीं लगाई, बाबा जी के पास भी हम लोगों ने बहुत बार मिलने का, उनके मंत्रियों से मिलने का, उनके अधिकारी वर्ग से मिलने का समस्त प्रयास किया, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिंह। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।